अब आज आपकी ऑफ है मैडम। ठीक है ठीक है, तो स्कूल छूट गए ने तो सर अब आप घर सर किसको, आपको किसको पकड़ना है? प्रोफेशन को पकड़े सैटर्न को? हाँ। अगर हम सैटर्न को पकड़ते हैं मैडम, सैटर्न यहाँ पे है ईस्ट में है ना, 159 को, तो प्रोफेशन को सबसे ज्यादा इंपैक्ट इस लड़की के या इस बच्चे के करने वाला है या इस लड़के के करने वाला है, वो है मंगल और मरकरी। क्योंकि जो सामने से देखता है, चाहे वो 75% इफेक्ट देता है, सामने वाले का हमारे पे असर ज्यादा पड़ता है। अगर मेरे घर के सामने कोई रहता है, तो मेरे घर के अगर सामने वो कूड़ा रखता है, चाहे रखता अपने घर में ही है फ्लैट में, लेकिन मेरे सामने लगता है, तो मुझे लगता है कि ये मेरे घर के सामने इसने कूड़ा क्यों रखा। अगर वही मेरे घर के सामने अच्छा गमले और पेड़ पौधे रखेगा, साफ सुथरा रखेगा, मुझे देखेगा कितना बढ़िया। अब वो जो सामने वाला दोस्त है या दुश्मन है, वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा। तो सैटर्न का दोस्त बुध है, मरकरी हाँ। है, लेकिन सैटर्न का दोस्त मंगल नहीं है। तो नहीं है इसको स्ट्रेंथ मिल रही है मरकरी से, इसको स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है मार्स से। लेकिन ये जातक, ये जातिका, ये अगर ये मंगल का ही काम करने लग जाए, अगर ये मंगल का ही काम करने लग जाए, इसका काम में इसको अच्छा होगा कि बुरा होगा? सर, अच्छा होगा, जैसे आपने बताया फिजिकल एक्टिविटी, हाँ, योगा। ये जी सर, उसका जो दुश्मन है उसी को यूज करके वो काम करने लग गई। और बुध जो है बिजनेस भी है, और बुध जो है आपकी आवाज भी है ना, कम्युनिकेशन, यस सर, तो वो जब एज ए ट्रेनर काम कर रहा है या कर रही है, तो उसको तो फिर तो अच्छा रोल देगा ना शनि। यस सर, इसको स्ट्रेंथ मिल गई। दूसरी बात, ये जो शनि है इसके अगले भाव में कौन है? शनि के आगे वीनस केतु ये दोनों भी इसके दोस्त ही है, मित्र सर। ठीक है ना, तो ये भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यस सर, ये 90% इफेक्ट है ना यहाँ पे, यस सर, और पीछे जो है वो 25 है। अब वो जो पहले यहाँ शनि जो है पहले शुक्र से और केतु से मिलेगा, फिर मंगल और मरकरी से मिलेगा, फिर इधर ही आएगा ना, तब तक तो यस सर, बहुत जीवन चला जाता है, समझ जी सर, गए मेरी बात? तो इसीलिए ऐसे कोई करता है तो उस बंदे को, इसको बोलते हैं डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। ये क्यों फायदा हो जाता है इसका, इसके साथ ही चार्ट के अगर ये बना लें, तो यहां अगर आप कोई छोटी मोटी चीज मिस कर रहे हैं तो वो यहां पे वो पकड़ सकते हैं, जी सर, क्योंकि ऐसा होता है ना, हर कोई अपने आप को परफेक्ट सोचता है, लेकिन जब परफेक्ट सोचता है तो वो छोटी छोटी चीजों को भूलने लग जाता है, बड़ी बड़ी चीजें तो याद रखता है लेकिन छोटी चीजें वो भूलने लग जाता है। लेकिन ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ अगर बना के हम चार्ट में प्रिडिक्शन करेंगे तो वो छोटी चीजों को भूलने नहीं देता। तो अभी अगर मान लीजिए मैं यहीं पर ये नेटिव को जुपिटर को पकड़ लूं, जुपिटर नॉर्थ में है ना ऊपर, हाँ और जुपिटर के सामने कौन है? शुक्र केतु। शुक्र केतु, ठीक है ना। अब शुक्र क्या है जुपिटर का? लोग कहते हैं कि दुश्मन है, पर मैं हमेशा गुरु को गुरु लेता हूं, दोनों के बीच में मर्यादा रहती है। और यस शुक्र सर, किसके साथ बैठा है? केतु को। केतु हमेशा किसको फॉलो करता है? गुरु को। केतु हमेशा गुरु को फॉलो करेगा। तो इस जातक को शुक्र और केतु से फायदा होगा कि नुकसान होगा, ये बताइए। फायदे होगा सर, साथ में गुरु है ना सर। हाँ, फायदा किससे होगा? अगर ये शुक्र की चीजें भी शामिल कर ले, शुक्र क्या है? मृत संजीवनी। जो ये अगर मान लो ये लड़की या लड़का फिजिकल ट्रेनर है, एक्सरसाइज कराते हैं, तो ये डाइट सप्लीमेंट भी बताते हैं ना, यस सर, वेट बढ़ाने और घटाने के लिए, ये जो कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई, बीएमआई BMI, तो वो भी अगर करेगी तो उसका तो फायदा हो जाएगा ना। तो मैडम क्या होता है ना, आप जैसे प्रैक्टिस करने लगते हैं, भगवान आपको वैसा ही सिग्नल देता है। और मेरा हमेशा प्लेनेट को लेके अच्छा ही प्रिडिक्शन करने का एम रहता है, तो इसीलिए मुझे भगवान इसमें
मुझे ऐसा लगता है कि बरकत दे रहे। कोई लोग होते हैं ना वो कुंडली देख के नेगेटिव सोचने लगते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं नेगेटिव नहीं बोलता, मैं अगर है भी तो मैं उसको बोलता हूँ आप एनर्जी पॉजिटिव कर लो, क्योंकि एक ही प्लेनेट ने अच्छा रिजल्ट देना है। आप क्या सोचते हो गुरु हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा? गुरु इसमें हाँ किसी में भी गुरु मैडम बहुत भयंकर रिजल्ट देता है। वैदिक में क्या कहा गया है कि गुरु जिस भाव में बैठते हैं उसका नुकसान करते हैं, दृष्टि उसकी अच्छी होती है, दृष्टि उसकी अच्छी होती है, और शनि जिस भाव में बैठते हैं वहां अच्छा करते हैं और जहां देखते हैं वहां पे बुरा करते हैं। लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ाया आपको, मैं तो ये मानता हूं कि शनि को तो बेचारे को ड्यूटी मिली है, वो सबसे बढ़िया ग्रह है, उसकी ड्यूटी मिली है, जैसे कर्म है वैसे रिजल्ट देंगे। तो अगर आपके अच्छे कर्म है, कल मेरी कुंडली डिस्कस कर रहे थे और मेरी तुला का शनि है दसवें भाव में, आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, तो वो बोले कि ये पाप कर्तरी में है। ठीक है, फिर मैं कुछ नहीं बोली, मेरी जिंदगी में सबसे कोई अच्छा मिला है तो मेरी जॉब है, घर से दो बंगले आगे मेरे हेड ऑफिस में मैंने 35 years काम किया, रिकॉर्ड बना दिया, किसी को इतने हेड ऑफिस में बैठने देते हैं, और अभी मैं इतनी अच्छी जॉब की और अब मैं हर महीने 45,000 पेंशन लेती हूँ, और वो बोले कि उसकी शनि अच्छी नहीं नौकरी होगी। मैं हाँ हाँ मुझे अब जो मैं बोल रहा हूँ अगर वो देखोगे तो, अगर आपने उसका एफर्ट से काम किया ना, जब भी आपने प्रोफेशन में किया आपने हमेशा एफर्ट से काम किया, इसलिए आपको बरकत मिल गई। बहुत अच्छी तरह से मैंने जॉब की। हाँ आपने बहुत मेहनत भी किया ना जॉब में? नहीं मेहनत तो हेड ऑफिस में ज्यादा नहीं होती, ब्रांच में होती है। नहीं ब्रांच में होती है लेकिन हेड ऑफिस में आप टाइम से जाओगे, टाइम से आओगे, रूल फॉलो करो, रूल फॉलो करना होता है। आप हमेशा टाइम पे जाते थे, टाइम पे आते थे? हाँ बस वही तो करना ही है ना। हाँ बस वही है ना, सैटर्न यही तो कहता है कि रूल को फॉलो करो, आपके टेबल पे जो काम आए कर दो, कम आएगा ज्यादा आएगा वो एक अलग बात है। आपके टेबल पे कम काम क्यों आता था? फटाफट काम कर देते थे। नहीं कम क्यों काम आता था पहले मेरे को बताइए, सैटर्न कहाँ बैठा है आपका? दसवें भाव में। और कौन सी राशि में बैठा है? तुला में। सैटर्न तुला में उच्च का होता है और अपनी सब राशि में अपने काल पुरुष के हिसाब से दसवें घर में बैठा है, इसलिए आपके टेबल पे कम काम आता था। अगर वो किसी एक नंबर की राशि में बैठा होता तो आपके टेबल पे सबका काम आता।